हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ ऋतिक रोशन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग बाजार। तो इस वीडियो में हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं उस वेब सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992। तो स्कैम 1992 ये एक वेब सीरीज़ सोनी लिव की है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो स्कैम 1992 जो ये वेब सीरीज़ है, ये एक जिस पर्सन के ऊपर बेस्ड है, ये एक ओरिजिनल कहानी है। जिस पर्सन के ऊपर बेस्ड है उसका नाम है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता के बारे में आप लोगों में से बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में मैं बता दूँ। हर्षद मेहता जो है वो एक व्यक्ति था जिसने एक टाइम 1992 के टाइम पर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्स किया था, धीरू भाई अंबानी से भी ज़्यादा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है, एक बार अगर एडवांस टैक्स पे कर दिया तो बड़ी बात यह है कि उसने आज तक का इंडिया का उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैम किया था, जो स्कैम 5,000 करोड़ रुपीज़ का था। तो ये स्कैम उसने कैसे किया था? तो ये स्कैम उसने स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केटिंग में जिस टाइप के कुछ लूप होल्स हैं, तो उस लूप होल्स का इस्तेमाल कर कि उसने ये सब किया था। तो अब बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, मतलब इस वेब सीरीज़ में क्या क्या इस बारे में दिखाया गया। तो इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि कैसे उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे, कई सारे ऐसे लोग थे जो लूप होल्स का इस्तेमाल करके पैसे बनाते थे, और सिर्फ पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे बनाते थे। तो वहाँ एक और इंसान था, उसे भी पैसे बनाने थे, उसे भी अमीर बनना था, जिसका नाम था हर्षद मेहता। वो एक स्टॉक ब्रोकर था, उसको पता था कि किस तरीके से ये होता है, कैसे उसे इन्वेस्ट करना है और क्या करना है। तो उसने अपने पैसे लगाए और इंडिया का सबसे बड़ा उस वक्त का स्कैम किया। तो उसे अलग रखते हैं, बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में। तो वेब सीरीज़ में बहुत अच्छे से इसे सोनी लिव वालों ने, जो इनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस वेब सीरीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। काफ़ी अच्छे हैं, परफेक्शन के मामले में तो क्या ही कहूँ। और इसका जो बीजीएम है, इतना तगड़ा बीजीएम है कि आप लोग अगर सुनेंगे तो फ़ैन बन जाएंगे इसके। और टोटल ही इस जो बीजीएम है, उसके बाद फिर ये जो वेब सीरीज़ है, इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड है और सारे लगभग 50 से 55 मिनट्स के आसपास के एक एक एपिसोड हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ये वेब सीरीज़ देखें। सोनी लिव ऐप पे आपको ये मिल जाएगी देखने के लिए, और काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। और अगर बात करें इस वेब सीरीज़ के बारे में, तो इसके जो मेन एक्टर है जिन्होंने हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले किया, उनका नाम है प्रतीक गांधी। और भी कई सारे मूवीज़ में आज तक एक्ट कर चुके हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के सपोर्टिंग एक्टर्स की, तो उन्होंने भी इस मूवी में बहुत अच्छा रोल किया है, वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा रोल किया है। और एक एक शॉट जो है इतने परफेक्ट से लिया गया है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि रियल है। लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, इसमें एकदम परफेक्ट दिखाया है कि या फिर कहीं पर थोड़े थोड़े लूप होल्स भी बनाए दिखाएँ, तो वो भी पता करना मुश्किल है क्योंकि मुझे उस बारे में तो नहीं पता। अगर आपको उस बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस मूवी को देखने के बाद बताइए कि क्या ये सही है या फिर थोड़े कहीं पे गलत है। इसमें मूवी में भी कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन अगर आप ये मूवी को 2 से 3 बार देखें, इस पूरे वेब सीरीज़ को, सॉरी फिर से मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, अगर इस वेब सीरीज़ को आप देखें तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है। तो वो भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर ये वेब सीरीज़ को देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस वक्त मैं इस वेब सीरीज़ को के बारे में बता रहा हूँ, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब इस वेब सीरीज़ की रेटिंग 9.6 IMDb है। IMDb पे 9.6, वो भी तब जब ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होने के कम 7 से 8 दिन हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।